वेस्ट इंडीज की धरती पे वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैदान पे आया मोहम्मद सिराज का तूफान। दोस्तों मोहम्मद सिराज ने 8 गेंदों में लगातार 8 विकेट चटका करके बना दिया क्रिकेट का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। दोस्तों अभी देखना चाहते हो मोहम्मद सिराज ने कैसे चटकाई 8 गेंदों में 8 विकेट। इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों WTC फाइनल 2023 में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार के बाद भारतीय टीम अब सीधा पहुंच चुका है वेस्ट इंडीज के दौरे पर, जहां पर टीम इंडिया को 2 टेस्ट मुकाबले की एक सीरीज खेलनी है, जिसमें 12 जुलाई से लेकर के 17 जुलाई तक पहला टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा, दूसरा टेस्ट मुकाबला 20 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई के बीच में खेला जाएगा। उसके बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी 27 जुलाई 29 जुलाई और आखिरी वनडे मुकाबला 1 अगस्त वाले दिन खेला जाएगा, और फिर 5 मैचों की T20 सीरीज का आगाज हो जाएगा, जिसमें पहला T20 मुकाबला 3 अगस्त वाले दिन होगा, दूसरा 6 अगस्त को, तीसरा 8 अगस्त को, चौथा 12 अगस्त को और आखिरी और पांचवा T20 मुकाबला 13 अगस्त वाले दिन खेला जाएगा। दोस्तों इस सीरीज से पहले मैदान पे आया मोहम्मद सिराज का तूफान। दोस्तों मोहम्मद सिराज ने नेट प्रैक्टिस की वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों के साथ, उसमें 1 ओवर की 4 गेंदों में 4 विकेट चटकाई और दूसरे ओवर की 4 गेंदों में फिर से 4 विकेट चटका दी और इस तरीके से 2 ओवर की 12 गेंदों में 8 विकेट ले लिए मोहम्मद सिराज ने।